ब्रिटेन में आ गई आर्थिक मंदी। ऋषि सुनक की सरकार ने लिए बड़े फैसले। रूस यूक्रेन युद्ध को जिम्मेदार ठहराया। गैर मुस्लिम ऊपर चीन का अत्याचार। नसबंदी नरसंहार के बाद महिलाओं का जबरन अंतरजातीय विवाह। महिला चीन के कैंपों और जेलों में लगातार हो रही यौन हिंसा का शिकार। नरसंहार के बाद अब डोनेत्स्क पर यूक्रेन की नजर। रूसी सेना को मिसाइल से किया तबाह। अमेरिकी 80 जेबलिन से यूक्रेन ने किया हमला। पाकिस्तान में खाई में गिरी वैन हादसे में 20 की मौत। मरने वालों में 10 बच्चे भी शामिल। नो मनी फॉर टेरर की तीसरी बैठक की शुरुआत। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ हुई शुरुआत। भारत समेत कुल 73 देशों के नुमाइंदे शिरकत कर रहे। रमूज घटना पर आईएईए ने दिया भारत के साथ भड़का पाकिस्तान। कहा गलत रिपोर्टिंग हुई। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा अगले महीने रिटायर्ड। अगले चीफ के नामों पर मंथन जारी। आर्मी चीफ के लिए 6 नामों की चर्चा। नेपाल में आम चुनाव के लिए मतदान रविवार को होगा। प्रत्यक्ष निर्वाचन वाली 165 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 7 प्रांतों की विधायिकाओं के प्रत्यक्ष निर्वाचन वाली 330 सीटों के लिए भी मतदान होगा। खिलौने की तरह जमीन पर गिरा है मेक्सिको का हेलीकॉप्टर। सिक्योरिटी हेड समेत 5 की मौत। धू धू कर चला हेलीकॉप्टर। विदेश मंत्रालय में कार्यरत एक ड्राइवर को जासूसी के आरोप में किया गया गिरफ्तार। दिल्ली की पुलिस अपराध शाखा ने की गिरफ्तार। गुप्त सूचना लीक करता था ड्राइवर। हमीरपुर में खाद्यान्न की दुकान को चोरों ने बनाया निशाना। दुकान के शटर तोड़कर 40,000 रुपए ले उड़े चोर। चोर की घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद। वीर सावरकर पर राहुल गांधी की टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से उग्र प्रदर्शन। बीजेपी युवा मोर्चा ने दी चेतावनी। राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी तो भारत जोड़ो यात्रा को होने नहीं देंगे। यूपी विधानसभा सत्र को लेकर अधिसूचना जारी। 5 दिसंबर से होगा यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र। सुबह 11 बजे से शुरू होगी यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र। तीर्थपुरी में उल्लास परिवार के घर में हथियारबंद डकैती। पति पत्नी से की मारपीट। 40 तोला सोना लूटा और पुलिस अधीक्षक ने दिए जांच के आदेश। हफ्ते के आखिरी दिन सेंसेक्स 87 अंक फिसल कर 61,663 पर बंद। निफ्टी 18,300 के करीब पहुंचा। साप्ताहिक आधार पर सेंसेक्स में 0.21% की गिरावट रही। डेटा प्रोटेक्शन के लिए सरकार बनाएगी रेगुलेटरी बोर्ड। उपभोक्ता अपने डेटा के गलत इस्तेमाल की शिकायत बोर्ड से कर सकेंगे। पहली बार किया श्री और हर का प्रयोग। जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने वाली मांग याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। कहा कि यह सामाजिक मुद्दा है। कानून बनाना सरकार का काम है। आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। जमानत याचिका खारिज। नाबालिग से रेप के मामले में सजा काट रहे आसाराम। स्पेस की दुनिया में नया प्रारंभ। विक्रम एस की सफल लॉन्चिंग। मिशन का नाम प्रारंभ। रॉकेट का नाम विक्रम साराभाई। वाराणसी का दौरा करेंगे पीएम मोदी। काशी तमिल संगमम का करेंगे शुभारंभ। 19 नवंबर को अपने संसदीय क्षेत्र जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत पर तेजी से आगे बढ़ता चाहता है ब्रिटेन। नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा समझौते पर अधिकांश बातचीत हो चुकी है पिछले महीने। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अध्यक्ष पद चुनाव के लिए जारी की अधिसूचना। पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पद छोड़ने की घोषणा। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। जयदा नशा सॉन्ग रिलीज। सिजलिंग केमिस्ट्री करते दिखे नूरा आयुष्मान। इंटरनेट पर छाया गाना। फिल्म फाइल नंबर 323 को लीगल नोटिस। सुनील शेट्टी ने दी प्रतिक्रिया। कहा मैं हैरान हूं। भारत के वित्तीय भगोड़े के जीवन पर आधारित है फिल्म। आरबीआई ने नवंबर महीने की जारी की बुलेटिन। फाइनल ईयर 2023 में जीडीपी 7% रहने की संभावना। इकोनॉमी में सप्लाई की स्थिति धीरे धीरे सुधर।